जंगल क्रूज। जंगल क्रूज नाम से आई ये फिल्म एक एडवेंचर एक्शन फिल्म है जो 2021 में आई थी। फिल्म का ड्यूरेशन है 2 घंटा 7 मिनट और IMDb पर इसे 6.6 की रेटिंग मिली है। फिल्म को जॉमी कॉलेट सेरा ने डायरेक्ट किया है और मेल लीड में है ड्वेन जॉनसन, एमिली ब्लंट और एडगर रेमियरेज। अगर बात करें फिल्म के ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो ये रहा है 21,34,22,716 अमेरिकन डॉलर। इस फिल्म में जो जंगल दिखाया जा रहा है वे बेहद मंत्रमुग्ध कर देने वाला है और इसमें कुछ छुपी हुई वस्तुएं होती है जिन्हें खोजने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब इस फिल्म में एक ऐसे आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस जंगल में प्राचीन वस्तु की तलाश में आया था। उनके साथ पूरी टीम होती है। एग्वेरे उस खोजकर्ता का नाम था। वे जिस चीज की खोज कर रहे थे वह चांद के आंसू या टीयर्स ऑफ मून के नाम से जानी जाती थी। अब एग्वेरे और उनकी टीम जंगल में उस चीज की तलाश करने लगती है। फिर जंगल के पौधे सजीव होकर उन पर हमला कर देते हैं। वे उन्हें हिलाना और फेंकना शुरू कर देते हैं। बाद में एग्वेरे और उनकी टीम की हालत खराब हो जाती है। अब एक जंगली जनजाति उस स्थान से होकर गुजरती है। उनकी ऐसी हालत देखकर आदिवासी उनके पास आते हैं। एग्वेरे इन लोगों से विनती करता है कि हमको हील किया जाए। अब आदिवासी उनका इलाज करते हैं, लेकिन एग्वेरे बुरे दिमाग वाला है। वे अभी भी उन्हें धन्यवाद देने के बजाय चंद्रमा के आंसू के बारे में सोच रहा है। एग्वेरे को पता था कि आदिवासी इसी जगह के हैं, तो उन्हें भी इस बात का ज्ञान होगा, तो वे सभी आदिवासियों को मार देता है और वह चाबी ले लेता है, लेकिन इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। एग्वेरे और उनकी टीम शापित हो जाती है। आदिवासियों के मुखिया ने उन्हें ये श्राप दिया था कि वे सदा यहीं भटकते रहेंगे, उन्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर वे नदी पार करके आगे बढ़ते भी हैं तो वे पत्थर में बदल जाएंगे। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। अब हॉल का समय दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर लिली जो एक बॉटनिस्ट है और उनके छोटे भाई जो लिली सहायक भी है एक जगह पर होते हैं जहाँ लिली के भाई सभी को चांद के आंसू के बारे में बता रहे हैं। यहाँ ज्ञात होता है कि ये एक वृक्ष है। ये इतना पुराना पेड़ है जिसे बहुत से लोग खोज रहे हैं। ये पेड़ इतना फायदेमंद होता है कि इसके पत्तों के इस्तेमाल से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है और उच्च स्तरीय दवा बनाई जा सकती है। यहाँ लिली के भाई का भाषण और मीटिंग खत्म हो जाती है। अब लिली ऊपर जाती है जहाँ राजकुमार भी है। वे आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन लिली जल्दी में है और वे चुपके से ऊपर चली जाती है जहाँ उसे एक बड़ा बक्सा मिलता है। जब वो उस बक्से को खोलती है तो उसके अंदर एक छोटा सा बक्सा भी होता है जिस पर चंद्रमा के आंसू की चाबी होती है। इस चाबी के साथ भागते समय राजकुमार उसे नोटिस कर लेता है और उसे रोकता है, लेकिन लिली उस समय खिड़की के बाहर सीढ़ी के साथ खेल रही है। प्रिंस ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने मेरा बक्सा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। इसलिए वह राजकुमार की ओर खाली डिब्बा फेंक कर खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। अब वह चाबी और अपने भाई के साथ अपने घर लौटती है क्योंकि वह इस चाबी को ही प्राप्त करने आए थे। दूसरी ओर राजकुमार उस खाली डिब्बे को देखकर क्रोधित हो जाता है और वे लिली और उसके भाई को गिरफ्तार करना चाहता है। अब उनकी योजना चंद्रमा के आंसू प्राप्त करने की थी, तो वे अमेज़न वन में जा रहे थे। यहाँ सीन बदल जाता है और जंगल में फ्रैंक नामक एक गाइड दिखाया जाता है। वे अपनी नाव में इस जंगल की सुंदरता दिखाते हुए लोगों से बहुत पैसा बनाता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आता है और उससे पैसे मांगता है जिसे कुछ दिन पहले फ्रैंक ने उधार लिया था। फ्रैंक उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें इतना जल्दी पैसे कैसे लौटाऊं। फ्रैंक उसे पैसे वापस नहीं करता। तब वो आदमी फ्रैंक के नाव के इंजन अपने कब्जे में ले लेता है। उस आदमी के पास तोता भी होता है। फ्रैंक उस जगह चला जाता है जहां उस आदमी ने चाबी छुपाई थी जिसे फ्रैंक ने छुपके से देखा था। इस बीच लिली भी वहां पहुंचती है जो यहां इस आदमी से शिप के बारे में पूछने आई थी। अब फ्रैंक भी वहां होता है तो लिली उसे वही नाविक समझती है कि मैं उसकी ही नाव में जाने वाली हूँ क्योंकि ये उसी आदमी का ऑफिस है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वह फ्रैंक एक दूसरा व्यक्ति है। अब उनके बीच बातचीत शुरू होती है। वो पूछती है कि फ्रैंक उन्हें जंगल में ले जाने के लिए कितना पैसा लेगा। तभी फिर वह आदमी आता है जिसके पास तोता था। इसका मतलब है कि इस कार्यालय का मालिक। लिली सच जानकर गुस्सा हो जाती है और फिर वह फ्रैंक के नाव में जाने से मना कर देती है। इस बीच फ्रैंक ने उसके गले में टीयर्स ऑफ मून के चाबी के निशान को नोटिस किया। अब वह लिली को कैसे जाने नहीं दे सकता था, इसीलिए वह बहुत कोशिश करता है कि लिली उसके साथ जा सके और वह उसे किराए के रूप में कम पैसे देने की भी पेशकश भी करता है और कहता है कि आप फायदे में रहेंगे, लेकिन लिली सहमत नहीं होती।
तभी वहाँ एक तेंदुआ आता है और फ्रैंक की किस्मत बदल जाती है। सभी लोग डर के मारे वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन फ्रैंक तेंदुए को बहादुरी से बाहर कर देता है। लिली इसे देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और अब वह तय करती है कि वह ऐसे ही गाइड के साथ आएगी जो निडर और ब्रेव है। उसके बाद फ्रैंक ने भी अपना इंजन वहाँ से ले लिया था और इसलिए वे दोनों चले जाते हैं। अभी फ्रैंक की नाव चली नहीं थी और उसी बीच कुछ लोग लिली को पकड़ लेते हैं और वे उसे धक्का देते हुए उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं और वे उस पिंजरे को भी उठा लेते हैं। बुद्धिमान होने के नाते लिली पिंजरे का ताला खोलती है और वह उन लोगों के सिर को पिंजरे से मारती है और वहां से भाग जाती है। दरअसल वे राजकुमार के भेजे गए आदमी थे जो लिली से वो चाबी छीनना चाहता था। अब वह एक ऊंचे स्थान को पार करते हुए भागने लगती है, लेकिन वह गिर जाती है। फिर फ्रैंक भी वहां पहुंच जाता है और वह उसे भूमि पर से उठने में सहायता करता है। वह पानी में कूद जाता है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लिली नाव के पास वाले रास्ते से आती है क्योंकि वह तैरना नहीं जानती थी और वह पानी से भी डरती थी। अब राजकुमार भी लिली का पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गया था। वे शिप पर अपनी बंदूक से फायर करना शुरू कर देता है, जिस पर लिली मौजूद होती है। वह पनडुब्बी में से ही फ्रैंक की शिप पर शूटिंग कर रहा था, लेकिन फ्रैंक अपनी शिप को मोड़ते हुए अपनी और अपनी शिप को फायरिंग से बचाता है। प्रिंस ने अपनी पनडुब्बी से दो टॉर्पीडो भी दागे, लेकिन फ्रैंक अपनी नाव को तेजी से आगे बढ़ाता है और वह टॉर्पीडो द्वारा गोली मारने से बच जाता है। नतीजतन प्रिंस की अपनी पनडुब्बी वहीं फंस जाती है। अब वे अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रात होते ही वे एक जगह रुक जाते हैं। फ्रैंक लिली और उसके भाई के लिए कुछ मछलियाँ पकड़ता है, जिसे वे रात में खाते हैं। अब लिली और फ्रैंक शिप के ऊपर बैठ कर बात कर रहे थे, तभी लिली का भाई डर के मारे ऊपर आता है। फ्रैंक उसे कहता है कि चिंता मत करो, ये मेरा पालतू है। तब लिली क्रोधित हो जाती है ये सुनकर कि फ्रैंक ने मुझे अपनी शिप में बुलाने के लिए नाटक किया था। दूसरी तरफ उसी राजकुमार को दिखाया जाता है जो एक रस्सी की मदद से एक गुफा में प्रवेश करता है। फिर वे एग्वेरे और उनकी टीम को वहां देखता है जो उस श्राप के कारण पत्थरों में बदल गए थे। लेकिन राजकुमार के दिमाग में एक आइडिया आता है, ये एक दुष्ट आइडिया होता है। वे जानता था कि उन्होंने जंगल से बचने के लिए नदी पार की होगी और नदी पार करते समय वे पत्थरों में बदल गए। अगर उन पर नदी का पानी छिड़का जाए तो वे श्राप से मुक्त हो सकते हैं। तो वह उन पर नदी के पानी की कुछ बूंदें डालता है, तभी एग्वेरे के शरीर से दो सांप निकलते हैं जो एग्वेरे के आदेश के अनुसार काम करेंगे। तो राजकुमार एग्वेरे से कहता है, यदि आप चंद्रमा के आंसू की चाबी मुझे लाकर देते हैं जो कि एक लड़की के पास है, तो मैं आपको भी उसकी कुछ बूंद दे दूंगा, क्योंकि तुम दो खुद पत्थरों के बने हो और तुम वहां आसानी से नहीं जा सकते। तो वे सांप सहमत हो जाते हैं और इसी के साथ वो प्रिंस इन सब के ऊपर उस नदी के पानी की बूंदें डालकर उनको आजाद कर देता है। अब दूसरी तरफ जिस जगह फ्रैंक क्रॉसिंग कर रहा है वो जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ एक बड़ा सा तूफान आता है और उनकी शिप हिलती है, यहाँ तक कि वे इसे अंदर तक महसूस भी करते हैं। हर कोई अपनी जान की परवाह करने लगता है और इससे पहले शिप झरने के साथ नीचे गिरती है। फ्रैंक अपने शिप को उचित तरीके से संभाल लेता है और वह सबकी जान बचाता है, लेकिन इस तूफान के दौरान शिप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। फिर फ्रैंक वहां से कुछ लकड़ियों को काटता है और शिप को वहीं रोक देता है और वह अपनी शिप की मरम्मत शुरू कर देता है। फिर लिली को दिखाया जाता है जो फ्रैंक के छिपे हुए केबिन में जाती है, जहां उसे किताब मिलती है जिसमें चंद्रमा के आंसू के बारे में विवरण होता है। लिली को इस बुक को पढ़कर पता चलता है कि फ्रैंक भी इस पेड़ को खोज रहा है। अचानक वहां फ्रैंक आता है। फिर लिली उससे कहती है कि तुम भी चांद के आंसू की खोज कर रहे थे और आपने हमसे लाभ लेने की कोशिश की है, क्योंकि अगर हम इसे खोज लें तो आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मेरी किस्मत में होता तो शायद कई साल पहले मुझे मिल जाता, उसी समय जब से मैं इसकी तलाश कर रहा हूँ। तब लिली कहती है, लेकिन इस बार वो मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास इसकी चाबी है। तभी वहाँ नाव के ऊपर से एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वे जांच करने जाते हैं तो पता चलता है कि जंगली आदमी है जो उन्हें पकड़ लेते हैं, और यहाँ फ्रैंक उनके साथ उनकी भाषा में बात करना शुरू करता है और वह लिली से कहता है कि मैंने उनसे कहा है कि वे मुझे बंदी बना सकते हैं और तुम और तुम्हारा भाई निर्दोष हैं, तो इसलिए वे आपको रिहा कर सकते। लेकिन जंगली लोग फ्रैंक की बात नहीं मानते और वे फिर से बात करने लगते हैं। फिर फ्रैंक लिली को बताता है कि वे लोग कह रहे हैं कि हमें चंद्रमा के आंसू की चाबी दो, तब ये लोग हमें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन लिली कहती है बिल्कुल नहीं, और वो उन जंगली लोगों पर हमला करने ही जा रही होती है। जैसे ही वह एक भाला उठाती है तब उनका मुखिया बोलता है, फ्रैंक की योजना फ्लॉप हो गई है।
तब लिली को पता चलता है कि फ्रैंक ने ये सब कुछ नाटक किया था ताकि वो केवल उस चाबी को पा सके। अब वहाँ की मुखिया नक्शे को लिली को समझाना शुरू करती है कि आपको कैसे जाना होगा। तब लिली कहती है कि मैं अब उस जगह पर अकेले जाऊंगी, मैं अब आप पर और भरोसा नहीं कर सकती। फिर फ्रैंक उसे समझाता है कि तुम अकेली लड़की हो, आपके साथ आपका छोटा भाई है, मेरी मदद के बिना तुम वहाँ कैसे पहुँचोगी। तब लिली कहती है सब कुछ संभव है, और जैसे ही वो निकलने लगते हैं वहाँ पर एग्वेरे और उसके साथी आ जाते हैं जो बहुत अजीब लग रहे होते हैं। एग्वेरे के मुंह से वही सांप निकल रहे हैं और उसके साथियों के शरीर पर भी कई तरह के कीड़े होते हैं, उनके हाथों में भाले होते हैं और फिर फ्रैंक उनसे लड़ने लगता है। तो फ्रैंक लिली को उठाते हुए एक बेल के पौधे से लटक कर दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन एक आदमी लिली से वो चाबी छीन ही लेता है। वह इसे दूसरे आदमी को फेंक देता है, लेकिन फ्रैंक एग्वेरे के पास जाता है क्योंकि वो चाबी उसके पास पहुंच जाती है। वह उससे लड़ने लगता है, लेकिन एग्वेरे और उसके सांप भी फ्रैंक का सामना कर रहे होते हैं और वे आपस में लड़ने लगते हैं, और अंत में फ्रैंक एग्वेरे से चाबी छीन लेता है। इस बीच एग्वेरे उसके दिल में एक तीर मारता है जो उसके आर पार हो जाता है और फ्रैंक नीचे गिर जाता है। वह नीचे गिरते हुए इस चाबी को लिली की तरफ फेंकता है और वह इसे पकड़ लेती है, लेकिन वो उदास हो जाती है कि उसने हमको बचाने के लिए और हमको ये चाबी देने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तब जनजाति की लीडर लिली से कहती है कि एग्वेरे और उसके साथी आपका पीछा नहीं करेंगे यदि आप उस अमेज़न नदी को पार कर जाते हैं तो, क्योंकि वे वहाँ फिर से पत्थर के बन जाएंगे, इसलिए वे वहाँ नहीं जाएंगे। फिर लिली अपने भाई के साथ दूसरों को विदा करते हुए नदी पार करती है, जहाँ एग्वेरे और उसके साथियों को वहाँ पहुँचने की हिम्मत नहीं होती। लिली का भाई भी उसके पीछे आता है। जब सुबह उस जंगल में लिली टहल रही होती है, उसे फ्रैंक का शरीर मिलता है। पहले तो वह उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वह ये देखने के बाद जानती है कि फ्रैंक अभी भी जीवित है, लेकिन वह भाला अभी भी उसके दिल के हिस्से में फंसा हुआ होता है। फ्रैंक लिली से कहता है कि डरो मत, हो सकता है मुझे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि मैं भी शापित हूँ, मैं पिछले 400 साल से इसी तरह जीता और मरता हूँ। लिली एक झटके से उस भाले को फ्रैंक के दिल से बाहर निकालती है। ये देखकर लिली का छोटा भाई बेहोश हो जाता है। लिली फ्रैंक के साथ योजना बनाती है कि वह चंद्रमा के आंसू तक जाएगी। कबायली मुखिया ने उसे बताया था कि वो सिर्फ लुनार क्लिप्स चंद्र तक चमकता है और बाद में ये बेकार हो जाता है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। लिली अपने भाई को आदिवासियों के पास यह कहकर छोड़ देती है कि आप उनके साथ अधिक सुरक्षित हैं, और यहाँ फ्रैंक लिली को सब कुछ बताना शुरू करता है कि मैं एग्वेरे की टीम का ही सदस्य भी था और हम टीयर्स ऑफ मून की खोज कर रहे थे, क्योंकि एग्वेरे की बेटी की हालत गंभीर थी। वह उस पेड़ का फूल लेना चाहता था। जब आदिवासियों ने उसे उस जगह की चाबी नहीं दी, तब एग्वेरे ने सभी को मार डाला और हम उस पर शापित हो गए थे, और यह मैं ही था जो उन्हें नदी के उस पार लेकर गया और उन्हें झाड़ियों में फंसा दिया, तो वे सब पत्थर में बदल गए, जबकि मैं अभी भी जीवित हूँ, अपनी जान बचा रहा हूँ। अब इस राजकुमार को भी पता चल जाता है कि लिली अब कहाँ जा रही है, तो राजकुमार अपनी पनडुब्बी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात आदिवासियों से होती है जिनके नाव में लिली का भाई भी होता है, और वे उसे सैर के लिए ले जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ राजकुमार लिली के भाई को रोकता है और पूछता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। लिली का भाई उसे डर के कारण सब कुछ बताता है। अब राजकुमार उस जगह की ओर बढ़ता है जबकि फ्रैंक और लिली उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, वह स्थान जो पानी के पास था। फ्रैंक पानी में कूदता है और वह जांचता है कि जिस दरवाजे की ये चाबी है वो पानी के नीचे है। वह पानी से बाहर आकर लिली को समझाता है कि हमें पानी के नीचे जाना होगा, लेकिन लिली डर जाती है और फ्रैंक उसे समझाते हुए नीचे की ओर ले जाता है। अब लिली उस दरवाजे को खोलना शुरू कर देती है, लेकिन उसका पैर एक पत्थर पर पड़ता है और वो दब जाता है, और लिली अंदर रह जाती है और फ्रैंक बाहर, और दरवाज़ा बंद हो जाता है। लिली कंफ्यूज हो जाती है और वो सांस भी नहीं ले सकती। फिर वो दरवाजे पर आती है और फ्रैंक उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है। फिर वहाँ कुछ मछलियाँ दिखाई देती है, फ्रैंक उनके बीच में आ जाता है ताकि वह मछलियाँ लिली पर हमला न कर पाए, और इसी बीच लिली को सांस लेने में दिक्कत होती है और वो लगभग होश खो बैठती है, और इसके खुलते ही सारा पानी उस दरवाजे में प्रवेश करना शुरू कर देता है और वो जगह ड्राई हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक और लिली ठीक हो जाते हैं। इससे पहले फ्रैंक और लिली इस दरवाजे में प्रवेश करते और उस चंद्रमा के आंसू वाले पेड़ को खोजते, तभी वो राजकुमार भी अपनी पनडुब्बी में आ जाता है और लिली का भाई भी उसके द्वारा कैद होता है।
वह उस पर बंदूक तानते हुए लिली को धमकाता है, अगर तुमने यह चाबी मुझे नहीं लौटाई तो तेरे भाई को मार डालूंगा। लिली को मजबूरी में वो चाबी देनी पड़ती है। अब वे सब के सब एक साथ उस दरवाजे की तरफ जाते हैं। जब वे उस पुराने पेड़ को देखते हैं तो वे जानते हैं कि यह अंधेरा और मुरझाया हुआ पेड़ है, जबकि इसको खिलना चाहिए था। तब उनको एक बात समझ आती है कि वह उस चाबी का उपयोग करके वो खिल सकता है। तब राजकुमार फ्रैंक से कहता है कि आप पिछले 400 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो तुम्हें तो पता होगा कि ये चाबी कहाँ पर लगेगी, तो उसको मेरे लिए लगाओ। तब फ्रैंक कहता है कि एक शर्त पर। वो कहता है कि मैं अपने ऊपर से इस श्राप को हटाते हुए मरना चाहता हूँ। और यह सुनकर लिली उदास हो जाती है, क्योंकि वह फ्रैंक को पसंद करने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि वह मर जाए। अब फ्रैंक के साथ वे सब चाबी लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन फ्रैंक को यह समझ में नहीं आता कि ये चाबी कहाँ लगेगी। तो वह लिली से मदद मांगता है, तो उस पर लिली कहती है कि मुझे भी इसका एक फूल चाहिए। राजकुमार उससे कहता है, नहीं, एक ही फूल है जो दिया जाएगा। आप सभी सोच सकते हैं कि उस फूल को कौन रखना चाहता है। फ्रैंक लिली से कहता है कि आप चाबी को सही जगह लगा दो और फूल भी रख लो, लेकिन कृपया मुझे बाद में मार देना, क्योंकि मैं इस दुनिया से छुटकारा पाना चाहता हूँ और मैं आराम से मरना चाहता हूँ। फिर लिली सहमत हो जाती है और वह भी चाबी को लगाने की कोशिश करती है, लेकिन यह कहीं भी नहीं लग रही होती है। तब उन्हें याद आता है कि कबीले के सरदार ने उनसे कहा था कि उसमें सर्प का हृदय है। वे उस चाबी को तोड़ देते हैं और तभी उसमें से एक लाल मोती प्रकट होता है, जो हृदय होता है। वे इसे एक पेड़ की नक्काशीदार जगह में लगाते हैं और वह पेड़ चमकने लगता है और उस पर गुलाबी फूल खिलने लगते हैं। इसे देखकर राजकुमार की नीयत खराब हो जाती है। इससे पहले वह सभी फूल तोड़े, फ्रैंक राजकुमार के आदमियों पर हमला करना शुरू कर देता है और उसने उन लोगों में से एक के साथ अपना सिर मारा और वह उन लोगों के सिर और पेट पर वार करने लगता है। इसका फायदा उठाकर लिली उस पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण पूरा होने में महज एक मिनट का समय बचा था और इतना वक्त लिली ने उस पेड़ पर चढ़ने में ही लगा दिया था। फिर भी किसी तरह वह फूल तोड़ने वाली ही होती है कि फूल मुरझाने लगते हैं और वह गायब हो जाते हैं और राख में बदल जाते हैं। इसके बावजूद लिली उस फूल का एक हिस्सा तोड़ लेती है, जो उसका एक छोटा हिस्सा है। राजकुमार पेड़ के नीचे खड़े होकर चिल्लाने लगता है कि मुझे ये फूल दो, लेकिन लिली उस फूल को नीचे की ओर फेंक देती है, जिसे फ्रैंक पकड़ लेता है। इसे देखकर राजकुमार और एग्वेरे उग्र हो जाते हैं। अब वो सोच में पड़ जाते हैं कि वे लिली को मार डालेंगे, क्योंकि वे आखिरी मौके से भी वंचित रह गए थे। तो फ्रैंक फूल दिखाते हुए उनको अपने पीछे लगा लेता है। फ्रैंक अपनी शिप लेकर दूर चला जाता है और इससे पहले तेंदुआ लिली के भाई को वहीं उतार देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिली को कपड़े से लिपटा हुआ वही फूल मिलता है जो लिली के भाई को फ्रैंक द्वारा दिया गया था। लिली उस पर बहुत इमोशनल हो जाती है कि फ्रैंक ने हमें बचाने और उन क्रूर लोगों से हमें बचाने के लिए अपने पीछे उन सबको लगवा लिया है। और दूसरी तरफ फ्रैंक की शिप एक चीज़ से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वहाँ के सभी पेड़ जीवंत हो जाते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पहले एग्वेरे के लोग पत्थर बन गए थे, और फिर यहाँ पर देखते ही देखते सभी लोग पेड़ों की चपेट में आकर पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। लिली जब यहाँ आकर देखती है तो उदास हो जाती है और अपने हाथ फ्रैंक के चेहरे पर लगाती है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं दिखता। फिर उसका वो फूल, जिसके लिए उसने बहुत संघर्ष किया है, उसे फ्रैंक के मुंह में रख देती है, लेकिन वह फूल भी गायब हो जाता है और फ्रैंक भी दोबारा से ठीक नहीं हो पाता। फिर वह अपने भाई को लेकर निराश होकर यहाँ से जाने लगती है। फ्रैंक का तेंदुआ भी वहाँ उदास बैठा होता है और कोई आवाज़ नहीं कर रहा होता है, लेकिन लिली और उसके भाई जब जा रहे होते हैं तो लिली को तेंदुए की आवाज़ सुनाई देती है। तब लिली आशा करती है कि शायद फ्रैंक की बॉडी में कोई मूवमेंट आई होगी, और वह फ्रैंक को देखने के लिए जल्दी से वापस जाती है, जो वास्तव में ठीक हो चुका है और उसके शरीर से अब खून भी बह रहा था। इसका मतलब यह है कि वह अब शराब से मुक्त हो गया था। लिली उसे गले लगा लेती है और उसका छोटा भाई भी बहुत खुश हो जाता है। तेंदुआ भी उनके साथ होता है और वे चारों खुशी खुशी उस जगह को छोड़ने लगते हैं। फिर वे देखते हैं कि उस पेड़ पर एक और फूल अभी भी बचा है। लिली उसे तोड़कर अपने देश में लाती है और वे वहाँ जाकर दवा तैयार करती है, जो कि बहुत प्रसिद्ध होती है। अब लिली और उसके भाई को पूरी दुनिया में जाना जाता है। अंत में हम देखते हैं कि लिली इस नए दुनिया में फ्रैंक को रहना सिखा रही है।
वह उसे गाड़ी चलाना सिखा रही है और कार की पिछली सीट पर उनका तेंदुआ भी होता है। वे लंदन के सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं और फिल्म भी इसी सीन पर पूरी होती है।